Clash of Clans. Play now. हेलो क्लशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो गाइस, आज का ये वीडियो हम लोग का क्लैश ऑफ क्लैन मिथ्स हैच एपिसोड नंबर 9 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिथ्स नंबर 1, सुपर गॉब्लिन कैन डिस्ट्रॉय सेंटर टीएच विद बैटल ब्लीम। क्या बात है, रियली में ऐसा कुछ होता है क्या? चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। सो हम लोग अपने दूसरे अकाउंट पे अटैक करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ सुपर गॉब्लिन्स हैं, कुछ फ्रीज स्पेल एंड यहाँ पे बैटल ब्लीम। लेट्स गो फॉर अटैक। सो इस जगह हम लोग आ चुके हैं, सेंटर में टीएच है भाई, सभी चीज़ परफेक्ट। और इस जगह हम लोग चलिए अटैक्स को करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग फ्रीज करके आगे बढ़ेंगे एंड किंग क्वीन को इधर रिलीज कर लेते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग फ्रीज कर देते हैं। ओके, अरे भाई मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इस जगह हम लोग ओ ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ भाई साहब, एंड इसी के साथ साथ गॉब्लिन्स तो निकल गए। एंड यहाँ पे देख सकते हो यार, वोस को तोड़ के भी गॉब्लिन्स टाउन हॉल को टेक ओवर कर दिए हैं। क्या बात है, सुपर स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 2, जाइंट बॉम्ब को फ्रीज करने पे नहीं फूटेगा। क्या बात है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम लोग के पास कुछ जाइंट बॉम्ब, ओके हम लोग के पास कुछ ट्रूप्स है और कुछ फ्रीज स्पेल है, ठीक है चलते हैं अटैक्स के लिए। सो इस जगह हम लोग अटैक्स के लिए आ चुके हैं एंड इस जगह सारे के सारे जाइंट बॉम्ब सेटेड हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रीज करता हूँ। यहाँ पर मैं फ्रीज किया और एक गॉब्लिन्स को रिलीज किया। ओके, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, देख सकते हो यार सारे के सारे फूट रहे हैं यार, क्या बात है, हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मिथ्स नंबर 3, जाइंट बॉम्ब डू नॉट टारगेट फ्रॉम विच फ्रॉम स्केल्टन बट टारगेट विच। क्या बात है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जाइंट बॉम्ब विच के स्केल्टन्स को टारगेट नहीं लेती है बट विच को टारगेट लेती है। यहाँ पे हम लोग बैटल फील्ड में आ चुके हैं, फिर से यहाँ पे पूरे की पूरी जगह जाइंट बॉम्ब सेटेड है और हम लोग के पास कुछ विचेस भी है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये क्वीन को टेक ओवर कर लेते हैं ताकि अपने ट्रूप्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। एंड यहाँ पे क्वीन को टेक ओवर कर लिए, अब चलते हैं यहाँ पे सेंटर से आगे। यहाँ पे सारी के सारी विचेस को हम लोग रिलीज कर दिए हैं एंड स्केल्टन्स जा रहे हैं भाई। ओके, हाँ देख सकते हैं इस जगह स्केल्टन्स जा रहे हैं एंड स्केल्टन्स को कोई भी टारगेट नहीं ले रहा, इवन सिंगल ट्रैप्स स्केल्टन्स को टारगेट नहीं लिए हैं, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 4, आप क्लोन ट्रूप्स को क्लोन कर सकते हैं। क्या रियली में ऐसा कुछ होता है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे सिंगल प्लेयर मोड में और सिंगल प्लेयर मोड में जाने के बाद कुछ ऐसे बेसिस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग को एक लार्ज एरिया मिले गेम प्ले करने का। और इस जगह मैं सबसे पहले बारबेरियंस को क्लोन करूँगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बारबेरियंस को क्लोन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बारबेरियंस पीछे से क्लोन बारबेरियंस आ रहे हैं, अब उन पर मैं ये क्लोन स्पेल डालूंगा और देख सकते हो यार, यस हम लोग क्लोन ट्रूप्स के क्लोन को ही क्लोन कर सकते, क्या बात है, मतलब कुछ अजीब सा लगा यार, जो भी हो यार, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। मिथ्स नंबर 5, मैक्स लेवल पिक्का कैन डिस्ट्रॉय मैक्स लेवल किंग इन जस्ट 4 शॉट। क्या बात है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो एज अ प्रूफ यहाँ पे मैं आप लोग को शो कर दूँ और इस जगह मैं इस बेसिस को चैलेंज देता हूँ और देख सकते हैं मैक्स पिक्का हम लोग रखे हुए हैं सीसी में और मैं इस जगह स्टार्ट चैलेंज करता हूँ। ओके, अब इस जगह हम लोग अपने बेस पे आ चुके हैं, अटैक्स के लिए जाते हैं। हम लोग के पास मैक्स किंग है और इस जगह यहाँ पे मैक्स पिक्का निकलेगा, तो इस जगह हम लोग अपने किंग को रिलीज करते हैं। ये अपना किंग आ गया है एंड यहाँ देखते हैं, एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट, चार शॉट, पाँच शॉट, छः शॉट, सात शॉट, आठ शॉट एंड 9 शॉट। क्या बात है, लगभग 9 शॉट भी मारा तो किंग पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मिथ्स नंबर 6, क्लोन स्पेल पे लाइटनिंग स्पेल डालोगे तो लाइटनिंग स्पेल डबल डैमेज देगा। क्या रियली में ऐसा कुछ होता है क्या, चलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके फिर से देखता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम लोग एक मल्टीप्लेयर अटैक्स में और ये चीज करके देखते हैं। ओके, सो इस जगह हम लोग के पास कुछ क्लोन स्पेल है एंड उसी के साथ साथ एक लाइटनिंग स्पेल भी है।
सो इस जगह मैं कॉर्नर्स में इस जगह कुछ ट्राई करता हूँ. ओके इस जगह मैं क्लोन स्पेल ड्रॉप करता हूँ एंड इस जगह लाइटनिंग स्पेल. एंड यहाँ पे तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है ऐसा कि डबल डैमेज दे रहा है गाइज. नो कोई भी इफेक्ट मुझे ऐसा नहीं दिखा डबल लाइटनिंग स्पेल गिरता हुआ. सो हेंस द मिथ इज बस्टेड. मिथ्स नंबर 7, अगर आप मल्टीप्लेयर बैटल स्टार्ट होने के बाद नेटवर्क कनेक्शन बंद करोगे तो वो अटैक बैटल लॉग में नहीं आएगा और आपकी ट्रॉफी भी लूज नहीं होगी. क्या बात है भाई साहब, रियली ऐसा कुछ होता है क्या? यहाँ पे चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं. यहाँ पे चलते हैं हम लोग मल्टीप्लेयर बैटल में और इस जगह हम लोग आ चुके हैं मल्टीप्लेयर बैटल में और यहाँ पे अब हम लोग रिलीज कर देते हैं, मतलब नेट कनेक्शन ऑफ कर देते हैं. ओके मैं यहाँ पे नेट कनेक्शन ऑफ किया और फिर से मैं ऑन करता हूँ. ओके ठीक है परफेक्ट. अब रिलोड लेते हैं, यहाँ पे रिलोड लेते हैं गेम को और MG पे हम लोग अटैक्स किए थे. ओके देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे बैटल लॉग में जाते हैं अटैक लॉग में एंड यहाँ पे तो भाई साहब MG भाई पे हम लोग अटैक किए थे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है. देख सकते हो यार यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और हेंस द मेथड्स कन्फर्म्ड. बट गाइज ये ध्यान रखना लीजेंड लीग का सिस्टम अलग होता है. लीजेंड लीग में ऐसा कुछ ट्राई मत करना आप. ये विदाउट लीजेंड लीग में ट्राई करके आपको बताया हूँ. सो क्रशर्स वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक, जल्दी से हिट करो लाइक बटन पे और अपने एक फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर दो यार. और उसी के साथ साथ ऐसे डेली क्लैश ऑफ क्लैन के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. मिथ्स नंबर 8, बारबेरियन किंग की एबिलिटी यूज करने पर जो बारबेरियन स्पैम होता है उन्हें हम क्लोन कर सकते हैं. वाओ क्या बात है रियली. चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं एंड इस जगह हम लोग चलते हैं एक सिंगल प्लेयर अटैक करने के लिए. जहाँ पे करेंगे वहाँ पे हम लोग का बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए यार. तो इस जगह हम लोग करते हैं बारबेरियन किंग है, क्लोन स्पेल है. चलिए अटैक्स करते हैं, एबिलिटी यूज़ करते हैं एंड इस जगह हम लोग ओ ओ ओ ओ यस भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ बारबेरियन किंग के जो छोटे छोटे बारबेरियंस थे वो भी क्लोन हो रहे हैं. हेंस द मिथ इज कन्फर्म. मिथ्स नंबर 9, अगर हम किसी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें और लास्ट सेकेंड में दूसरे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करें तो 0 Gems to Finish बोलेगा. क्या बात है रियली. यहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं. यहाँ पे मैंने रिमूव किया बुश को और बेसिकली ऐसा कुछ होता है यार, मैंने भी बहुत बार करके देखा है होता है ऐसा कुछ. बट हम लोग को यार परफेक्टनेस बहुत ज़रूरी है. ओके मैं यहाँ पे मिस कर गया, कोई बात नहीं मैं फिर से ट्राई करता हूँ. 8 7 6 और देख सकते हो यार यहाँ पे फाइनली हो चुका है. कंप्लीट द प्रीवियस बिल्डिंग एंड फ्रीज अप अ बिल्डर 0 Gem. यहाँ पे देख सकते हो पॉपअप आ चुका है 0 Gem का. सो बहुत ही परफेक्टनेस आप लोगों को जरूरी है ये काम करने के लिए एंड इसी के साथ साथ हेंस द मेथड्स कंफर्म्ड. मेथड्स नंबर 10, व्हेन यू डिस्ट्रॉय बॉम्ब टावर एंड यू लीव फ्रीज स्पेल देन द जायंट बॉम्ब इनसाइड इट डज नॉट ब्लास्ट. क्या बात है यार. तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं. सो इस जगह हम लोग चलिए अटैक्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग को बॉम्ब टावर इस जगह कॉर्नर्स में मिल रहा है. ओके तो इस जगह हम लोग अटैक्स करते हैं, देखते हैं. इवन हम लोग अंदर सबसे पहले घुसने की कोशिश करेंगे, किंग को देते हैं एंड इस जगह वॉल ब्रेकर्स को देंगे ताकि हम लोग सेंटर में जा सकें और यहाँ पर विचेस को देते हैं. विचेस की जो स्केल्टन्स होंगी वो सब सेंटर में जाएंगी और यहाँ पर हम लोग मेन फोकस करेंगे फ्रीज करने का इसे. चलिए हम लोग फ्रीज करके देखते हैं क्या होता है, इस जगह ब्लास्ट होता है या फिर नहीं. और भाई ब्लास्ट हुआ यार, क्या बात है ब्लास्ट हो गया. हेंस द मेथड्स बर्स्टेड. सो गाइस कैसा लगा आप लोग को आज का ये मिथ्स हैच एपिसोड नंबर 9 का वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अब चाहेंगे गाइस हम लोग आपसे इजाजत, हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे. Clash on!